हेलो एवरीवन एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटोकाइन फाइटो हार्मोन के बारे में, मेनली इसके बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी की बात करें तो साइटोकाइनिन का एक्चुअल में नेचर होता है बेसिक। ओके, जैसे एसिडिक बेसिक हम कहते हैं, सिमिलरली इसका बेसिक नेचर होता है और ये आइदर अमाइनो प्यूरिन हो सकता है या फिनाइल यूरिया डेरिवेटिव हो सकता है। और ये इसका मेनली काम, जैसे साइटोकाइनिन वर्ड आप देख रहे हैं, साइटोकाइनिन जो है साइटोकाइनेसिस से आया है। साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स डिवाइड करना। तो एक्चुअल में साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, दैट इज़ वाई इसको हम हमने इसको ऐसे नाम दिया है, दैट इज़ साइटोकाइनिन। अब ये देखा जाता है कि ये सेल डिवीजन में या तो अकेले भी काम कर सकता है या तो ये ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेट करके भी काम कर सकता है। जो सबसे पहले साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ था उसे नाम दिया गया था काइनेटिन, ठीक है। इसके अलावा इसका केमिकल नेम हो जाता है 6-फर्फ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन। काइनेटिन नेचुरली अकरिंग दैट इज साइटोकाइनिन नहीं है, इट इज़ अ सिंथेटिक हार्मोन, यानी लेबॉरेटरी बेसिस पे इसको डिराइव किया गया था। तो सबसे पहले नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइप मेज ग्रेन नोन एज अ जियाटिन। तो नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन जो कि ऑप्टेन हुआ था उसको नाम दिया गया था जियाटिन। इसका आप केमिकल नेम देख सकते हैं, दैट इज़ दी 6-हाइड्रोक्सी-3-मिथाइल-ट्रांस-2-ब्यूटेनाइल-अमाइनो-प्यूरिन। तो जियाटिन इज़ अ नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन, जबकि काइनेटिन जो बोला गया था, काइनेटिन इज़ अ सिंथेटिकली डिराइव्ड हॉर्मोन, ठीक है। और इसके अलावा साइटोकाइनिन कोकोनट मिल्क में भी देखने को मिलता है। अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी मेनली इस तरीके से हुई थी कि जब सेल डिवीजन देखा जा रहा था तो ये सोचा गया कि कौन सा यहाँ पे ऐसा फैक्टर है जो इतना ज़्यादा सेल को डिवाइड करवाने में हेल्प कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इस सेल डिवीजन प्रमोटिंग फैक्टर को देखा गया एंड फाइनली बाद में इसको डिस्कवर किया गया। सो द साइटोकाइनेसिस इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल वॉज नेम एज अ काइनेटिन, और आपको पता है काइनेटिन जो है सिंथेटिकली डिराइव्ड हार्मोन माना जाता है। While kinetin is a synthetically derived cytokinin, its structure is similar to that of the naturally occurring auxin. तो मतलब कि kinetin भले ही हम synthetic basis पे obtain कर रहे हो लेकिन इसका structure काफ़ी मिलता जुलता है naturally occurring auxin से। तो जो दो common हम cytokinin मानते हैं, that is a kinetin and zeatin. नेक्स्ट चला आता है, दैट इज़ बायोसिंथेसिस पाथवे। बायोसिंथेसिस पाथवे दैट इज़ आइसोपिनोइड पाथवे को ही फॉलो करता है और इसका पाथवे बहुत ज़्यादा सिंपल है। एटीपी एंड एडीपी का कॉम्बिनेशन डीएमएपीपी जो कि एक टाइप का 5-कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसे हम मेनली आईपीपी भी कह सकते हैं, एक आईपीपी से डिराइव या फिर आइसोमर फॉर्म कह सकते हैं, बिकॉज डीएमएपीपी इज़ अ आइसोमर ऑफ आईपीपी। दैट सो डीएमएपीपी इज़ अ डाइमिथाइल एलाइल फॉस्फेट जो कि आईपीपी का आइसोमर है। तो डीएमएपीपी एंड एटीपी एंड एडीपी ये मिलकर एट अ टाइम या तो एटीपी हो सकता है या तो एडीपी हो सकता है, ठीक है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज, जिसे हम आईपीटी कहते हैं शॉर्टकट में, ये कन्वर्ट कर देता है आईपीआरटीपी अगर ये एटीपी था तो, या फिर आईपीआरडीपी अगर ये एडीपी था तो, ठीक है। जैसे मैंने कहा दोनों नहीं रहेंगे, एट अ टाइम कोई एक रहेगा। इसके बाद इस कंपाउंड का कन्वर्जन ZTP या ZDP में होता है विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम जिसका नाम है CYP735A, जिसको हम नॉर्मल बेसिस पे यहाँ मैंने सबका फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस एंजाइम को हम बोलते हैं साइटोक्रोम 450 मोनोऑक्सीजनेज। एंड ZTP एंड ZDP क्या है, दैट इज ट्रांस जियाटिन राइबोस 5-ट्राइफॉस्फेट या फिर डाइफॉस्फेट। तो ZTP या ZDP बन सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्टार मारूं ATP पे अगर मैं स्टार मारती हूँ तो इससे IPRT बनेगा। IPRT अगर बना तो ये कन्वर्ट होगा ZTP में, या फिर अगर मैं किसी और कलर से लूँ डॉट फॉर्म में तो अगर यहाँ पे ATP है तो वेरी ऑब्वियस क्या बनेगा, IPRDP, और अगर IPRDP बनता है तो ये बनेगा ZDP।
डिपेंड करता है शुरू में कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा दैट इज फॉर्म काम कर रहा है। एंड फाइनली एक अनआइडेंटिफाइड हाइड्रोलिक हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से इट विल कन्वर्ट इनटू द जियाटिन। और जियाटिन अभी हमने देखा इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। तो इस ढंग से जो है दैट इज बायोसिंथेसिस होता है साइटोकाइनिन का विद द हेल्प ऑफ अ आइसोपिनोइड पाथवे, जिसे हम कहते हैं आईपीपी का इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज आईपीपी का ही एक आइसोमर फॉर्म है डीएमएपीपी। इसके बाद आता है दैट इज साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे। साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग पाथवे काफ़ी अलग है एज कम्पेयर टू द अदर पाथवे जो हमने चार फाइटो हार्मोन में देखा था। वहाँ पे मेनली 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे काम कर रहा था, बट अभी आपके सामने मैं एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिसका नाम है टू कंपोनेंट फॉस्फो रिले सिस्टम। ठीक है, एक होता है सिर्फ टू कंपोनेंट सिस्टम, एक होता है टू कंपोनेंट फॉस्फो रिले सिस्टम। तो फॉस्फो रिले सिस्टम क्या होता है, आपने कभी लाइफ में अगर रिले रेस देखी होगी तो किसी एक ऑब्जेक्ट को एक इंसान जो है लेकर भागता है, जब वो एक राउंड मारकर आता है एक ग्राउंड का तो उसी ऑब्जेक्ट को किसी और आदमी को देता है और वो भी भागता है। मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ अ गेम, मतलब एक चीज़ को लेकर सभी लोग भाग रहे होते हैं, एक ग्रुप की तरह काम होता है। आई होप अगर आपने रिले रेस देखी होगी तो आप समझ पाएंगे। तो फॉस्फो रिले सिस्टम में क्या होता है, फॉस्फेट को जो है एज अ ऑब्जेक्ट लेकर भागा जाता है। ये एक एनालॉजी मैं आपको बता रही हूँ। फॉस्फो रिले सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक कंपाउंड पे फॉस्फेट ऐड हुआ, वो कंपाउंड किसी और पे फॉस्फेट ऐड करेगा, फिर वो कंपाउंड किसी और पे फॉस्फेट ऐड करेगा। इस तरीके से फॉस्फो रिले सिस्टम देखा जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसका रिसेप्टर ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, इट मे बी CRE1, इट मे बी AHK2 और इट मे बी AHK3, ये रिसेप्टर हो सकते हैं। लिगेंड का कहें तो साइटोकाइनिन ही होगा। सिग्नलिंग पाथवे टू कंपोनेंट फॉस्फोरिले सिस्टम कहलाता है। AHK का मतलब हो गया अरेबिडोप्सिस हिस्टिडिन काइनेज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो रिसेप्टर है दैट इज योर CRE1, इसका नाम है साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स 1। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन होता है, मतलब अगर मान लीजिए ये मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर है तो ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कहलाता है, राइट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में दैट इज साइटोकाइनिन बाइंडिंग डोमेन होता है जिसे हम कहते हैं चेज डोमेन। बिकॉज अगर कोई रिसेप्टर है तो वेरी ऑब्वियस वो अपने लिगेंड से बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक साइट रखेगा। सिमिलरली इसके पास भी एक स्पेसिफिक साइट होती है CRE1 के पास, जिसे हम कहते हैं चेज डोमेन। इसके अलावा इस पर्टिकुलर रिले सिस्टम में एक AHP नाम का प्रोटीन काम करता है जिसका नाम है हिस्टिडिन फॉस्फोट्रांसफरेज प्रोटीन, जिसे हम HPT भी कहते हैं। ये HPT क्या करता है, ये HPT जो है फॉस्फेट को ट्रांसफर करने का काम करता है। किन के बीच में, सेंसर काइनेज के बीच में एंड रिस्पॉन्स रेगुलेटर के बीच में। अब ये सेंसर काइनेज एंड रिस्पॉन्स रेगुलेटर क्या होते हैं हम ये भी देखेंगे, लेकिन मेक श्योर अगर मैं सेंसर काइनेज कहती हूँ एंड रिस्पॉन्स रेगुलेटर कहती हूँ तो इसके बीच में कहीं HPT प्रेजेंट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरियल वाला ही एग्जैक्ट सिस्टम है। बैक्टीरिया में जो टू कंपोनेंट सिस्टम पाया जाता है उसका ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि बैक्टीरिया में HPT नहीं पाया जाता है, सिर्फ टू कंपोनेंट सिस्टम पाया जाता है, लेकिन साइटोकाइनिन उसका एक मॉडिफाइड वर्जन यूज करता है। ओके, इस मॉडिफाइड वर्जन को हम नाम देते हैं हाइब्रिड टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। ये रहा नॉर्मल टू कंपोनेंट सिस्टम, ये रहा दैट इज सेंसर काइनेज, इसको हम बोलते हैं सेंसर काइनेज। यहाँ पे एक इनपुट डोमेन है जहाँ पे दैट इज किसी चीज़ को सेंस किया जाता है। इसके बाद उसकी वजह से जो है दैट इज यहाँ पे एक हिस्टिडिन रेसिड्यू वाला डोमेन होता है मेनली, जिसे हम काइनेज डोमेन कहते हैं। और यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन होता है, फॉस्फेट के एडिशन की वजह से दैट इज ये पर्टिकुलर एरिया एक्टिवेट हो जाता है। तो हिस्टिडिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। अब इस पे फॉस्फोराइलेशन हो जाने के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स रेगुलेटर। रिस्पॉन्स रेगुलेटर में भी दैट इज जो पहला दैट इज डोमेन होता है उसमें एस्पार्टेट प्रेजेंट होता है। तो इस फॉस्फेट को जो यहाँ पे हिस्टिडिन रेसिड्यू पे ऐड हुआ था तो ये काइनेज एंजाइम जो है इसको ऐड कर देता है कहाँ पे, एस्पार्टेट पे। और एस्पार्टेट पे ऐड होने के बाद ये आउटपुट डोमेन से रिस्पॉन्स दिखाने लगता है, यानी अगर नॉर्मल सी भाषा में कहें तो इनपुट डोमेन पर आकर जो है लाइगेंड अफेक्ट करेगा, इसके बाद हिस्टिडिन वाला रेसिड्यू फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, फिर ये फॉस्फेट को ट्रांसफर करेगा एस्पार्टेट एरिया पे। स्पार्टेड एरिया पे आते ही जो है आउटपुट डोमेन रिस्पॉन्स देने के लिए डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग करना शुरू कर देगा। तो इसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम। लेकिन जो साइटोकाइनिन में टू कंपोनेंट सिस्टम मिल रहा है
वो कौन सा है? वो है थोड़ा सा मल्टी स्टेप, एज वेल एज हम इसे कहते हैं हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काइनेज, दैट इज हिस्टिडिन काइनेज डोमेन है, इसे काइनेज डोमेन भी कहते हैं या सेंसर प्रोटीन भी कहते हैं या हिस्टिडिन काइनेज डोमेन भी कहते हैं, तीनों नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ पे जो काइनेज डोमेन है और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है, इनके बीच में देखिए ये रहा एचपीटी। तो एचपीटी क्या कर रहा है? सीधी सी बात है, इनपुट डोमेन में आकर लाइगेंड रिस्पॉन्स देगा। इसके बाद दैट इज यहाँ पे जो ये टू कंपोनेंट सिस्टम होता है, मेनली हाइब्रिड टू कंपोनेंट सिस्टम, दिस इज अ स्पेशल केस, ठीक है? ये एग्जैक्टली टू कंपोनेंट सिस्टम नहीं है, ये साइटोकाइनिन का एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पे इनपुट आता है, इनपुट डोमेन में लिगेंड की बाइंडिंग आप कह सकते हो होती है। उसके बाद ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में, हिस्टिडिन डोमेन, हिस्टिडिन एरिया में सबसे पहले जो है फॉस्फेट का एडिशन होता है। फॉस्फेट के एडिशन के बाद दैट इज यहाँ पे सेंसर काइनेज डोमेन में ही यहाँ पे भी एस्पार्टेट रेसिड्यू होता है। उसके बाद हिस्टिडिन काइनेज, हिस्टिडिन एरिया से ये फॉस्फेट जो है ऐड होता है कहाँ पे? एस्पार्टेट पे। एस्पार्टेट इसको भेजता है कहाँ पे? एचपीटी पे। और एचपीटी क्या करता है? एचपीटी फिर इस फॉस्फेट को कहाँ भेज देता है? दैट इज रिस्पॉन्स रेगुलेटर के रिसीवर डोमेन में, जिसके पास अगेन क्या है? एस्पार्टेट रेसिड्यू है। तो इस तरीके से ये काम चलता है। और हमने इसको रिले क्यों कहा है? क्योंकि जैसे मैंने कहा एक रेस में एक ऑब्जेक्ट को लेकर दौड़ा जाता है, यहाँ पे देखिए फॉस्फेट को जो है पास पास किया जा रहा है, और रिले रेस भी कुछ ऐसी ही होती है। तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज फॉस्फो रिले सिस्टम से, क्योंकि ये फॉस्फो दैट इज फॉस्फेट का रिले, एक ढंग से रिले करवाया जा रहा है, ठीक है? और एचपीटी का मेनली काम होता है जो फॉस्फेट यहाँ है उसको लेकर यहाँ पे ट्रांसफर कर देना। और ये इसलिए क्योंकि ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन ये कहीं और प्रेजेंट रहता है और ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। दैट इज़ वाई एचपीटी एक ढंग से जो है एक ऐसे कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है जो इससे फॉस्फेट लेकर इसको दे देता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ओके तो बुक में जब आप देखेंगे इस पाथवे को तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है एंड एक्सप्लेन भी करती हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो सबसे अगर पहले हम बात करें तो दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? दिस इज़ अ साइटोप्लाज्म एंड दिस इज़ अ न्यूक्लियस। सबका यहाँ पे मेंशनिंग कर रखा है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये है रिसेप्टर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिसेप्टर का ये देखिए दिस इज़ अ काइनेज डोमेन या सेंसर डोमेन, ठीक है? और इसका रिस्पॉन्स रेगुलेटर एरिया देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। और बीच में देखिए एएचपी या एचपीटी प्रोटीन जो है, सॉरी एचपीटी जो यहाँ पे प्रोटीन है वो हेल्प करेगा दैट इज फॉस्फेट को न्यूक्लियस के अंदर ले जाने में। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये पिक्चर आपके सामने रखा है कि सबसे पहले इनपुट डोमेन में दैट इज सबसे पहले क्या आएगा? रिस्पॉन्स, दैट इज द लिगेंड आकर बाइंड करेगा, फिर वो हिस्टिडिन काइनेज एरिया का एक्टिवेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑटोफॉस्फोराइलेशन, फिर ये फॉस्फेट को एस्पार्टेट रेसिड्यू पे भेजेगा जो कि सेंसर काइनेज एरिया में ही प्रेजेंट है। इसके बाद एचपीटी पे भेजेगा फॉस्फेट को, फिर एचपीटी जो है रिस्पॉन्स रेगुलेटर के एस्पार्टेट डोमेन पे भेजेगा। याद रखिएगा नॉर्मल टू कंपोनेंट सिस्टम में एस्पार्टेट कभी भी सेंसर काइनेज एरिया में नहीं होता है। दिस इज अ वेरी एक्सेप्शनल केस जो आप देख रहे हैं, तो एक्सेप्शनल केस को कॉमन मत बनाइएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे आपके। अब ये आप यहाँ पे रिसेप्टर देख सकते हैं, इस रिसेप्टर में दैट इज ये रहा चेज डोमेन, और आपको बताया गया था इस चेज डोमेन में ही क्या करेगा? साइटोकाइनिन आकर बाइंड करता है। साइटोकाइनिन यहाँ पे आकर बाइंड किया, बाइंड करने की वजह से क्या हुआ? हिस्टिडिन काइनेज डोमेन में एटीपी का यूटिलाइजेशन करके काइनेज ने ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर लिया। ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद जो है एस्पार्टेट रेसिड्यू पे इसको दैट इज फॉस्फेट को ट्रांसफर किया गया, जिसे हम रिसीवर डोमेन भी कह रहे हैं। इसके बाद ये फॉस्फेट जो है एचपीटी या एएचपी जो भी आप कहना चाहें, यहाँ पे ये फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया गया। फिर ये दैट इज एचपीटी जो है न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर गया। अब न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद इसके पास जो है दो रूट होते हैं जाने के, या तो ये पहला वाला रूट लेगा जहाँ पे 4 लिखा है, या तो ये 6 जहाँ लिखा है वहाँ लेगा। कैसे काम करता है ज़रा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये जो एचपीटी है, ठीक है, सो एएचपीटी है या एचपीटी आप बोल लीजिए, ये अगर ये वाला रूट लेता है तो ये सबसे पहले जो है टाइप बी एआरआर यानी टाइप बी रैबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास जाता है, वहाँ पे इसके एस्पार्टेट डोमेन में फॉस्फेट को ऐड कर देता है, तो रिसीवर डोमेन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद वो आउटपुट डोमेन को एक्टिवेट करता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिग्नलिंग शुरू हो जाती है।
टाइप बी एआरआर क्या कर सकता है? ये बाकी इफेक्टर्स को एक्टिवेट कर सकता है जो कि सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करें, या फिर ये टाइप ए एआरआर यानी टाइप ए अरबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर का ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, उसके बाद एमआरएनए बना सकता है, फिर प्रोटीन बना सकता है, यानी अब टाइप ए रिस्पॉन्स रेगुलेटर भी प्रेजेंट होंगे, यानी टाइप बी के थ्रू ही टाइप ए बन सकता है। लेकिन अगर टाइप ए बना तो इसका नेगेटिव रेगुलेशन कर देता है, मतलब टाइप ए अगर बना तो टाइप बी को इनहिबिट कर देता है। तो ये कैसा हो गया, फीडबैक इनहिबिशन जैसा चल रहा है कि टाइप बी की वजह से टाइप ए बनेगा, और टाइप ए के ऊपर अगर एचपीटी ने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो टाइप ए जो है टाइप बी को रोक देगा काम करने से। और टाइप ए क्या क्या कर सकता है, टाइप ए जो है फाइटोक्रोम बी को एक्टिवेट कर सकता है, इसके अलावा दैट इज ये साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है बाई अफेक्टिंग दी अदर प्रोटीन, और इस ढंग से जो है दैट इज पूरा साइटोकाइनिन पाथवे रेगुलेट होता है। अब आ जाता है इसका फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दैट इज सैम म्यूटेंट को रेस्क्यू करते हैं। सैम म्यूटेंट क्या होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी प्लांट में जो दैट इज शूट वाला जितना भी पोर्शन होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से बनता है। तो देखा ये जाता है कि अगर सीके है दैट इज साइटोकाइनिन जो है वो मेंटेन करता है सैम की एक्टिविटी को, यानी शूट एपिकल मेरिस्टम की जो एक्टिविटी है डिवाइडिंग एक्टिविटी इसको मेंटेन करके रखता है, दैट इज साइटोकाइनिन। इसके अलावा ये वैस्कुलर डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है, वैस्कुलर टिश्यू के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर बोथ रिक्वायर फॉर द इनिशिएशन ऑफ द जाइलोजेनेसिस, यानी प्लांट में अगर जाइलम का फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों ही मिलकर एक साथ हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा साइटोकाइनिन नोड्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बिकॉज नोड्यूल क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, एक आउटग्रोथ होता है रूट के अंदर, और वो आउटग्रोथ तभी हो सकता है जब वहाँ पे सेल डिवाइडिंग प्रॉपर्टी हो, और सेल को डिवाइड करवाने में वेरी ऑब्वियस साइटोकाइनिन का अच्छा खासा रोल देखा जाता है। इसके अलावा ये मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है, मॉर्फोजेनेसिस यानी जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो बहुत ध्यान से रखा जाता है, क्योंकि अगर साइटोकाइनिन का रेशियो हाई रहता है तो इट विल डेवलप इंटू दी शूट, मतलब कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टिश्यू कल्चर कर रहे हो तो वहाँ पे अगर साइटोकाइनिन का अगर आपने रेशियो अमाउंट ज़्यादा दिया तो वहाँ पे सबसे पहले शूट का इनिशिएशन हो जाएगा, और अगर आपने ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा दिया तो वहाँ पे सबसे पहले रूट का इनिशिएशन होगा। लेकिन इन केस अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है मीडिया में, दैट इज़ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का, तो देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ कैलस। कैलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज अनडिफ्रेंशिएटेड इररेगुलर मास ऑफ डिवाइडिंग सेल इन द टिश्यू कल्चर, जिसके पास कोई भी फेट नहीं होता है, मतलब ये डिफ्रेंशिएटेड सेल नहीं होता, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है, मतलब इसके बाद ये कुछ भी बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जब इक्वल रेशियो होता है तभी कैलस बनता है, अदरवाइज अगर साइटोकाइनिन का रेशियो अगर ज़्यादा है तो शूट बन जाएगा, एंड ऑक्सिन का रेशियो अगर ज़्यादा है तो रूट बन जाएगा। याद रखने का तरीका क्या है, जब आप साइटोकाइन बोलते हैं तो स का प्रोनंसिएशन आता है, हिंदी वाले स का, ठीक है, एंड जब शूट बोलते हो तो प्रोनंसिएशन में ऑब्वियसली श आता है यहाँ पे, लेकिन मिलता जुलता है, मतलब एक रफ बेसिस पे कहें तो साइटोकाइनिन शूट थोड़ा बहुत मिलते जुलते साउंड करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि साइटोकाइनिन एंड शूट सिमिलर साउंड करने वाले हैं थोड़े थोड़े, तो याद रहे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हायर लेवल होगा ऑक्सिन का तो इट विल हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ रूट। कैलस देख सकते हैं आप, कैलस कुछ ऐसा दिखता है, जिन्होंने टिश्यू कल्चर किया होगा अपने मास्टर या बैचलर में तो उनको जो है थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये काम कैसे करता है, अगर कैलस आपने देखा होगा। आई थिंक ये बैचलर मास्टर में करवाया जाता है, नॉर्मल बेसिस पे भी करवाया जाता है, चाहे आपका कभी प्लांट टिश्यू कल्चर हो या ना हो, मतलब एक आइडिया देने के लिए कि कैसे कैसे टेक्निक्स लैब में यूज होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज क्राउन गॉल के फॉर्मेशन में। आपको पता है दैट इज क्राउन गॉल इज अ टाइप ऑफ अ ट्यूमर इन केस ऑफ अ डाइकॉट प्लांट्स। तो सीके क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करेगा तो वेरी ऑब्वियस सीके एंड ऑक्सिन दोनों मिलकर जो है क्राउन गॉल का फॉर्मेशन करवाते हैं प्लांट के अंदर। इसके अलावा सीके क्या करता है, दैट इज लीफ के सेनेसेंस को डिले करता है, ठीक है, बिकॉज इसका सेनेसेंस रिप्रेसिंग रोल देखा जाता है। साइटोकाइनिन सेल के डिवीजन को इन्हांस करता है एंड ग्रीनिंग प्रोवाइड करता है, लाइक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे कहा गया था ग्रीन आइलैंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है कि
एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि एक एरिया में साइटोकाइन को अप्लाई किया गया और बाकी एरिया में नहीं अप्लाई किया गया। तो जिस एरिया में साइटोकाइन को अप्लाई किया गया था वो लीफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन रहा एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल प्लांट जिसमें कि साइटोकाइन अप्लाई नहीं किया गया था। तब से इसको हम ग्रीन आइलैंड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं उस एक्सपेरिमेंट को। इसके अलावा साइटोकाइनिन जो है फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, दैट इज़ इन द अरेबिडोप्सिस। इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। मेगास्पोर यानी फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करना। इसके अलावा ये लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है। जब मैंने आपको ऑक्सिन पढ़ाया था एज वेल एज आई थिंक स्टिगोलेक्ट्रॉन जब पढ़ाया था तब भी ये वाला कंसेप्ट आया था कि साइटोकाइनिन एंटागोनिस्ट होता है एज कम्पेयर लाइक फॉर द एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन कभी भी एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट नहीं करता है। स्टिगोलेक्टन रिप्रेसिंग ऑक्सिलरी बर्ड ग्रोथ। ओके, स्टिगोलेक्टन ऑक्सिलरी बर्ड लाइक ऑक्सिलरी बर्ड जो होते हैं उनके ग्रोथ को रोकता है एंड साइटोकाइनिन प्रमोट करता है ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी बर्ड के डेवलपमेंट को, क्योंकि स्टिगोलेक्टन एंड साइटोकाइनिन दो बोथ आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर मेनली इन टर्म्स ऑफ वॉट, बिकॉज स्टिगोलेक्टन अगर प्रेजेंट रहता है तो आईपीटी एंजाइम का फॉर्मेशन करवाता है और आपको पता है आईपीटी एंजाइम को इनहिबिट करता है। अगर स्टिगोलेक्टन प्रेजेंट रहता है तो वो आईपीटी एंजाइम को इनहिबिट करता है एंड आईपीटी एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। तो इसीलिए अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ करवाता है तो स्टिगोलेक्टन ऑक्सिलरी बर्ड को इनहिबिट करता है। लेकिन एज बिकॉज आपने दो फंक्शन को एंटागोनिस्टिक तरीके से देखा है, दैट डजेंट मीन कि इनके सारे फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो अपोजिट है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिनको मेंशन नहीं किया गया है दैट मीन्स उससे स्टिगोलेक्ट्रॉन का कुछ भी लेना देना नहीं है। सी के इनहिबिट बी आर सी वन जीन एक्शन एंड प्रिवेंट दी ऑक्सिन इंड्यूस स्टिगोलेक्ट्रॉन बायोसिंथेसिस एंड प्रमोट दी बर्ड। तो सी के क्या करता है, एक ब्रांच वन नाम का जीन होता है, ब्रांच वन नाम का जीन मेनली ऑक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। लेकिन जब सी के प्रेजेंट रहता है तो ये बी आर सी वन जीन को इनहिबिट कर देता है। बी आर सी वन जीन को इनहिबिट कर देता है तो सीधी सी बात है उस एरिया में ऑक्सिन एंड स्टिगोलेक्टन वो भी दोनों काम नहीं कर पाते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सी के सक्सेसफुली प्रमोट कर देता है उस एरिया में बर्ड को। फास्ट ऑक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ में मेनली हेल्प करता है, दैट इज आफ्टर डीकैपिटेशन साइटोकाइनिन हेल्प करता है। मतलब कि अगर आप किसी पौधे को ऊपर से अगर काट देते हो, डीकैपिटेट कर देते हो, तो ऑक्सिलरिन साइड से ग्रोथ होना शुरू कर देता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो साइडवेज जो ग्रोथ होते हैं उसमें हेल्प करना शुरू करता है कौन, दैट इज साइटोकाइनिन। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस साइटोकाइनिन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और फाइटो हार्मोन के बारे में, एज वेल एज वी विल सी कि उनके क्या क्या फंक्शन है एंड हाउ दे आर गेटिंग सिंथेसाइज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।